स्वागत है आपका ट्रैवल आरजी चैनल पे। आज हम आपको जूनागढ़ के प्रसिद्ध महाबत मकबरा की सैर पर ले चलते हैं। महाबत मकबरा जो जूनागढ़ के नवाब महाबत खानजी द्वितीय की कब्र पर सन 1812 में जूनागढ़ के दीवान बहाउद्दीन भाई खानजी ने मकबरा बनवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टि में अद्वितीय जूनागढ़ शैली में यह महाबत मकबरा बनवाया गया था, जिसमें इस्लामिक स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है। मकबरे के प्रमुख गुंबज और आसपास में स्थित विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे गुंबज इस्लामिक स्थापत्य और वास्तुकला से समृद्ध है। फ्रेंच डिजाइन वाली मकबरे की खिड़कियां उस समय भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है। मकबरे में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। इस स्मारक के द्वार और खिड़कियां के स्तंभ आदि पर यूरोपीय गोथिक शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मकबरे के अंदर मुख्य कब्र के आसपास चौतरफा संचलन के लिए गलियारे जैसी संरचना है। गलियारे के ऊपर तीन प्रकार के गुंबदों में से एक में आंतरिक नक्काशी है। मकबरे की बाहरी तरफ पुष्पों फूलों से अलंकृत नक्काशीदार संरचना गुंबज आदि है। कुल मिलाकर तकरीबन 300 विभिन्न प्रकार के अलंकृत भाग दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह मकबरा हिंदू इस्लामिक और पश्चिमी स्थापत्य कला के संलयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी यहाँ पर मकबरे में रिनोवेशन का काम चल रहा है और इसको गुजरात सरकार द्वारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको पूरा रिनोवेशन कर रहे हैं और जूनागढ़ की सभी जो पौराणिक धरोहर है उन सबको रिनोवेट करके प्रवासन को आगे बढ़ाने के लिए इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये जो मकबरे के चारों तरफ जो पिलर बने हैं उसमें आपको दिखाई देंगे ऊपर चढ़ने के लिए बाहर की तरफ से सीढ़ियां है, और जो ये मकबरे के ऊपर आप छोटे बड़े कितने सारे गुम्बज आपको दिखाई देंगे। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो पुराना जो फोटो था वो मकबरे का, नीचे जो कंपनी ये काम कर रही है उसने वहाँ पर रखा है। पुराना कैसा दिख रहा था और अभी रिनोवेशन होके ये मकबरा कैसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर ये मकबरा जो मुस्लिम हिंदू पश्चिम यूरोपियन संस्कृति की मिलावट इस मकबरे की डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाजू में ही जामा मस्जिद है और ये जो सुंदर मकबरा जैसे ताजमहल की छोटी आकृति आप देख पाएंगे, इस तरह से जैसे ताजमहल ने चारों तरफ जो पिलर है इसी तरह इस मकबरे में भी चारों तरफ आपको पिलर दिखाई देंगे। और यहाँ पर काम काज जो चल रहा था रिनोवेशन का, इसीलिए अंदर जाने की मनाही थी,
इसीलिए जो भी हमने रिकॉर्डिंग किया वो बाहर से ही करना पड़ा। इसकी जो बनावट और उस पर जो फूलों की आकृतियाँ जो बनी हुई है बहुत ही सुंदर, और ये रिनोवेशन के बाद तो और भी निखर के। ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें एक साइड पुराना फोटो है और एक साइड नया। रिनोवेशन के बाद का कैसा दिखेगा वो इस फोटो में दिखाई देगा। ये जो कंपनी काम कर रही है इसका रिनोवेशन, और जूनागढ़ में जो ऐतिहासिक धरोहर है उन सब का काम अभी एक साथ चल रहा है। करीबन एक साल डेढ़ साल में ये सब काम खत्म हो जाएगा, फिर प्रवासियों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन आप जो सोमनाथ जा रहे हो, गिर जा रहे हो या गिरनार के दर्शन के लिए आ रहे हो, तो एक ये ऐतिहासिक धरोहर जरूर देखने आना चाहिए। और ये जो जूनागढ़ के जो नवाब जो चाहते थे पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन फिर यहाँ की प्रजा ने जो विरोध किया, इसके हिसाब से जूनागढ़ आज भारत में ही रहा। तो इसी तरह ये मकबरा बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। यहीं पर हमारी वीडियो खत्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिएगा।